आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट क्या है, FSSAI क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग समझेंगे शेड्यूल 4 के बारे में। शेड्यूल 4 लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 का वो हिस्सा है जिसमें कि उन बातों को लिखा गया है जो कि किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को करने के लिए मैंडेटरी है, बल्कि उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे उनको लाइसेंस इशू होता है। और अगर आगे चल के उन कंडीशंस का वो फॉलो नहीं करते, उन कंडीशंस को नहीं मानते हैं, तो वो लाइसेंसेस या वो रजिस्ट्रेशन उनके हाथ से जा भी सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझना चाहते हैं कि भाई ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है क्या, क्योंकि हमारे देश में राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन टू डिलीवरी टू पैकेजिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग फूड वैल्यू चेन, यानी खाना जब से बनना शुरू हुआ या कह लीजिए जब से प्रोड्यूस हुआ खेत में आने के बाद से जब तक कंज्यूमर की प्लेट पे गया, हर स्टेप पे फूड सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है। हर स्टेप फूड सेफ्टी के परव्यू में आता है। हर स्टेप के लिए हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस है और हर स्टेप FSSAI की परिधि में आता है। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट क्या है। अगर कंटेक्स्ट समझना चाहे तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमें पता है हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, सन 2006 में हमारे भारत सरकार ने पार्लियामेंट से पारित हुआ, यानी 2006 से पहले तो ये एक्ट ही नहीं था। और अगर 2006 से पहले ये एक्ट ही नहीं था तो 2006 से पहले FSSAI भी नहीं था। तो फिर कौन था, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो कि रेगुलेट करते थे फूड सेफ्टी को हमारे देश में? आप सबके सामने बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस का, बहुत सारे ऐसे एक्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, जिसको हम PFA भी बोलते थे, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल ऑयल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर और बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ना केवल अलग अलग एक्ट से बाध्यकारी या अलग अलग एक्ट के अंतर्गत आना पड़ता था, बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट भी उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को रेगुलेट करता था। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स में अनरेस्ट था, उनके मन में असंतोष हुआ कि ये तो गलत बात है। भारत सरकार ने भी इन सब बातों को ध्यान में रखा और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जो पहले के जितने सारे एक्ट या कानून थे उसमें जो ऐसी बातें थी जो हमारे जनरल पब्लिक के लिए, जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नुकसानदायक थी या उनके हित में नहीं थी, उन सारों को रिपील कर दिया। रिपील मतलब क्या कर दिया, कि वो सारे अब लागू नहीं होंगे। दूसरी बात क्या किया भारत सरकार ने, इन सारे एक्ट की जो अच्छी चीजें थी, जो हमें वाकई में, जिनको हमें कंट्रोल में, जिनको इन्फोर्समेंट में हमें ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें लेके सबस्यूम कर दिया एक एक्ट में, एक सिंगल कानून में, जिसको बोला गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो ये तो था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का जेनेसिस। क्या क्या खास बात हुई इस एक्ट की? इस एक्ट की सबसे पहली खास बात ये हुई कि सिंगल अम्ब्रेला एक्ट टू रेगुलेट ऑल फूड एक्टिविटीज, यानी एक सिंगल कानून रहेगा, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे मीट का हो, चाहे फिश का हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का हो, सिंगल अम्ब्रेला एक्ट हो गया। जब सिंगल अम्ब्रेला एक्ट हो गया तो सिंगल डिपार्टमेंट भी हो गया जो हमारे फूड बिजनेस को रेगुलेट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात हुई इस एक्ट के आने से,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, सारे जगह इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी कानून एक हो गया। यानी एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर अब मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं वहां पे अलग कानून से डील करूंगा या अलग डिपार्टमेंट से करना है, बल्कि मेरा अम्ब्रेला एक्ट एक हो गया, मेरा अम्ब्रेला डिपार्टमेंट एक हो गया। दूसरी बात फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट की कहते हैं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट न केवल इन्फोर्समेंट एजेंसी को इम्पावर करता है, यानी न केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इम्पावर करता है, बल्कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी इम्पावर करता है, हम कंज्यूमर्स को भी इम्पावर करता है। तो कैसे वो कंज्यूमर्स को, कैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर को इम्पावर करता है, उसके बारे में समझेंगे। तो एफएसएसएआई को क्यों एफएसएसएआई कहा गया? क्योंकि इसके दो मुख्य काम हैं। क्या मुख्य काम है? पहला तो ये इंश्योर करना कि जो हमारे एंड कंज्यूमर को फूड मिले वो सेफ हो। तो फूड वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि फूड से रिलेटेड रेगुलेशन, फूड से रिलेटेड इन्फोर्समेंट, फूड से रिलेटेड अम्ब्रेला एक्ट है। सेफ्टी मतलब जो हमारे कंज्यूमर को फूड मिले, दैट शुड बी सेफ टू कंज्यूम, दैट शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ। इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेफरेंसेस, सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ द फूड प्रोडक्ट हैज टू बी डिफाइंड या इज डिफाइंड बाय एफएसएसएआई, एंड हेंस द वर्ड स्टैंडर्ड इज देयर इन द नेम ऑफ एफएसएसएआई। तो दो बड़े काम हो गए एफएसएसएआई के। पहला कि ये इंश्योर करना दैट द फूड विच इज रीचिंग आउट टू द कस्टमर और कंज्यूमर इज सेफ। सेकेंड, इट शुड मीट द स्टैंडर्ड्स एंड द स्टैंडर्ड शुड बी सेम अक्रॉस द कंट्री। तो स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करेगा? एफएसएसएआई डिफाइन करेगा कि अगर ये मिल्क है तो ये होना चाहिए, ऑयल है तो ये होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, कैसे स्टोर होना चाहिए, कैसे डिफाइन करना है, ये सारी बात एफएसएसएआई ने अपने स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किया है। जो एफएसएसएआई का नाम है वही एफएसएसएआई का काम है। क्या नाम है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक फूड बिजनेस ऑपरेटर हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। अब मेरा सैंपल लिफ्ट हुआ। आपको पता है हम जितने भी फूड बिजनेस वाले हैं, हम लोग की बड़ी चिंता रहती है कि सैंपल ना लिफ्ट हो। सैंपल लिफ्ट होने का क्या मतलब हुआ? जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, वो आके हमारे यहाँ से सैंपल लेते हैं, फूड प्रोडक्ट में से थोड़ा सा हिस्सा लेके जाते हैं और लैब में टेस्ट कराते हैं। दो ही कंडीशन है, या तो वो पास हो सकता है या तो वो फेल हो सकता है। कि अगर सैंपल फेल होता है, पास हो गया तो सब कोई खुश है, अगर सैंपल फेल होता है तो किन किन कैटेगरीज में आएगा, क्या क्या ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें कोई सैंपल फेल हो सकता है, किन किन कैटेगरीज में एक्ट के हिसाब से मेरा सैंपल ये माना जाएगा कि इट इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द गिवेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट। तो मैंने क्या कहा था? एफएसएसएआई का नाम याद रखिए। तो एफएसएसएआई का नाम याद रखा तो क्या हुआ? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एफएसएसएआई कहता है खाना सेफ होना चाहिए, अगर सैंपल फेल हुआ तो खाना क्या हो जाएगा? अनसेफ हो जाएगा। सेफ्टी हमें इंश्योर करना था, सेफ्टी नहीं इंश्योर हुआ तो फूड अनसेफ हो गया। हमें स्टैंडर्ड इंश्योर करना था, अगर स्टैंडर्ड नहीं इंश्योर हुआ तो क्या हो जाएगा? सैंपल सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी जो स्टैंडर्ड दिया है कि मिनिमम इतनी चीज, ये कलर होना चाहिए, ये मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, इतना वाटर कंटेंट होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए, अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करेगा तो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी क्या होती है? मिस ब्रांडेड। यानी जो एक्ट ने कहा है कि जिन जिन लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, जो बातें आपको कंज्यूमर को बतानी है, अगर वो बातें नहीं बताते
या उनके अतिरिक्त कोई ऐसी बात बताते हैं जो जो कि कंफ्यूजिंग है कस्टमर के लिए, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? मिस ब्रांडेड। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये समझना होगा कि यही तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें कोई सा भी सैंपल अगर लिफ्ट होता है मेरी, अगर लिफ्ट होता है मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मेरे रेस्टोरेंट से, मेरे होटल से, तो इन्हीं तीन कैटेगरी में वो सैंपल आएगा। आइदर इट कुड बी अनसेफ, और इट कुड बी सब स्टैंडर्ड, और इट कुड बी मिस ब्रांडेड। इन तीन कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है। अब ये तीन कैटेगरी थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अनसेफ का क्या मतलब हुआ? सेफ मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई खाना, कोई फूड प्रोडक्ट ह्यूमंस कंज्यूम करें, एंड इट शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ, खा के बीमार ना पड़े शॉर्ट टाइम में भी और लॉन्ग रन में भी। खाना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़े, जिसके कारण कि वो फूड अनसेफ हो जाए। जैसे वही पुराना एग्जाम्पल, दूध में डिटर्जेंट डाल दिया तो क्या होगा? डिटर्जेंट वाला दूध पी के लोग बीमार हो सकते हैं। तो वो दूध किस कैटेगरी में आएगा? अनसेफ। अगर दूध में पानी मिला तो पानी पीने के बाद लोग बीमार तो नहीं हो रहे, तो किस कैटेगरी में आएगा? दूध के लिए फिक्स है कि इतना ही वाटर कंटेंट होना चाहिए, इतना ही SNF होना चाहिए, इतना ही फैट कंटेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं है बट फिर भी वो पी के, इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड हेंस इट वुड बी कंसिडर्ड एज सब स्टैंडर्ड। तीसरी कैटेगरी क्या है? मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड का फिर से दूध वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मिल्क का सोर्स क्या है, बट मैंने खूब धड़ल्ले से अपने मिल्क के पैकेट पे लिख दिया गाय का शुद्ध दूध, या मैंने लिख दिया A2 गाय का शुद्ध दूध। एंड वंस द सैंपल वॉज टेस्टेड, इट वॉज फाउंड टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ मिल्क एंड हेंस इट वुड बी कंसिडर्ड एज मिस ब्रांडेड। या दूध से थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं मैंने खूब अच्छे, खूब बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी खोए की मिठाई बनाई, बेस्ट क्वालिटी खोए की मिठाई बनाई और उसको इतना अच्छा कि उसको खा के सब हेल्दी भी हो जाएंगे, और खूब महंगा खोया यूज किया, लेकिन गलती से एक ऐसे बॉक्स में पैक किया जिसपे लिखा था काजू कतली। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव यूज बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटीरियल, आई हैव यूज बेस्ट प्रोसेस टू इंश्योर दैट आई एम प्रिपेयरिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्वीट, लेकिन चूंकि वो खोए की बनी मिठाई थी और मैं जिस पैकेट में उसको बेच रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है काजू कतली और काजू बर्फी, एंड हेंस दैट प्रोडक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मिस ब्रांडेड। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है जिसमें लिफ्ट होने के बाद आपका सैंपल आता हो और अगर फेल हो रहा है तो आता हो। लेकिन फिर हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज की? क्योंकि इन तीनों ब्रॉड कैटेगरीज का, इन तीनों ब्रॉड कैटेगरीज का जो एक्शन है, जो इन तीनों ब्रॉड कैटेगरीज का जो ट्रीटमेंट है बाय अथॉरिटीज, वो अलग-अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि अनसेफ हुआ तो क्या हुआ। अगर हमारा फूड सैंपल उठने के बाद अनसेफ होता है तो आप ये समझिए अनसेफ मींस डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ, यानी व्यक्ति खाना खाने के बाद बीमार हो रहा है, सो विच वुड बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? अगर फूड अनसेफ पाया जाता है तो आपका जो ट्रायल है, जो कोर्ट केस है, वो ऐसी जगह चलेगा जहां पे ऐसे व्यक्ति का केस चलता है जिसको कि जिसने मर्डर किया हो। तो मर्डर वाले का केस और अनसेफ फूड वाले का केस एक ही कोर्ट में चलता है, और यहीं पे अलग हो जाता है मेरा PFA और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट। क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अलग अलग कैटेगरी में रखता है हमारे फूड प्रोडक्ट को। जैसे अगर सब स्टैंडर्ड है फूड,
लेकिन इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ। यानी अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अगर फूड सब स्टैंडर्ड रहता है तो जेल या इम्प्रिजनमेंट या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, केवल सिविल पेनाल्टी या फाइनेंशियल पेनाल्टी होगी। तो यहां लिख सकते हैं सिविल ऑफेंस या फाइनेंशियल पेनाल्टी। और यही बात हमारे सब स्टैंडर्ड में भी है और यही बात हमारे मिस ब्रांडेड में भी है। अनसेफ की अगर कैटेगरी में है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। सीजेएम कोर्ट में इसका जो वाद दायर होता है, इसका जो कोर्ट केस होता है, जबकि जो हमारा सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट है इसका वाद एसडीएम कोर्ट में दायर होता है, इसमें फाइनेंशियल पेनल्टी ही होती है। तो अब हम ये तीन ब्रॉड कैटेगरी समझ चुके हैं, तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि वो क्या फैक्टर्स है जो हमारे फूड को अनसेफ, जो हमारे फूड को सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड बनाता है। चलिए अब अगर हमने एक्ट की और सेक्शंस की बात की है तो जरा सा थोड़ा सा जनरल नॉलेज का टेस्ट हो जाए। बताइए भाई, एक्ट, रूल और रेगुलेशन में क्या फर्क है? ठीक है, तो हम समझ लेते हैं सीधी बोलचाल की भाषा में। एक्ट वो होता है जो कि हमारा पार्लियामेंट पास करे या लेजिस्लेचर पास करे, स्टेट गवर्नमेंट का, जो जहाँ पे सारे विधायक लोग बैठते हैं या जहाँ सारे सांसद हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर, जब कोई एक्ट जो पास करता है वो एक्ट होता है। उसी एक्ट जो वही एक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को उससे रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए। एक्ट में हर चीज नहीं होता है, एक्ट में जरूरी नहीं है कि ये लिखा हो कि कैसे कैसे किन कंडीशंस को ध्यान में रख के हमें फूड को सेफ रखना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर को चलाना है, फॉर्म कैसा होना चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए। एक्ट में इतना कह देगा कि आपकी वो एक फीस होनी चाहिए, एक्ट में इतना कह देगा कि आपका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन कैसे ऑडिट होना है, कब होना है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो एक्ट ब्रॉड गाइडलाइन हो गया, उससे रिलेटेड कैसे काम होना है वो रूल्स में आ जाता है। और जब डेलीगेटेड पावर से कोई नियम बनते हैं तो वो रेगुलेशन कहलाते हैं। जैसे अगर एफएसएसएआई है तो एफएसएसएआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर डेलीगेट कर दिया कि अब आप रूल्स बना सकते हैं, तो एफएसएसएआई के बनाए हुए जितने भी रूल्स हैं वो सारे रेगुलेशंस कहलाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए वो रूल्स कहलाएंगे और जो हमारे पार्लियामेंट में बना वो एक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 के बारे में बात। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यों हम लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 की बात कर रहे हैं? क्योंकि एफएसएसए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट बनने के बाद जो सबसे पहला रेगुलेशन हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने के लिए आया वही था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011। हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दो तीन इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हमारे फूड प्रिमाइसेस में ऑडिट होगा, जब भी हमारे प्रिमाइसेस में बाहर से चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर आए, फूड इंस्पेक्टर आए या थर्ड पार्टी ऑडिट आए, तो सबसे पहली चीज जो वो चेक करते हैं वो होता है कि क्या हमारे प्रिमाइसेस में एक वैलिड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है या नहीं, पहली बात, और वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सही कैटेगरी में है या नहीं, यानी जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी का हमने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं, पहली बात। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम आज ये रेगुलेशन को पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम क्यों आज के इस रेगुलेशन पे चर्चा कर रहे हैं वो है शेड्यूल 4 को समझने के लिए।
शेड्यूल फोर क्या है? शेड्यूल फोर है जनरल सैनिटरी एंड हाइजीन कंडीशन और प्रैक्टिसेस। आपको ध्यान होगा, जब भी हम लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे कागज सबमिट करते हैं। हम उनमें से एक इम्पॉर्टेंट अंडरटेकिंग है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम इन इन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि हमारा जो फूड है वो अनसेफ ना हो। तो कौन कौन सी बातें हैं? वो सारी बातें जो जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन से रिलेटेड है, कैसे साफ सफाई रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल कैसा होना चाहिए, पानी कैसा प्रयोग करेंगे, इन सारी बातों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के अंदर शेड्यूल फोर में लिखा। अच्छा, क्यों शेड्यूल फोर में इस रेगुलेशन में लिखा? क्योंकि ये इतनी जरूरी कंडीशंस हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलता है, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। चाहे कितनी बड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कितना बड़ा भी रेस्टोरेंट हो, अगर इस शेड्यूल फोर की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे तो आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो क्यों ना ये हम पहले ही समझ ले कि वो कंडीशंस क्या है और हम उनको कॉम्प्लाई करें। लेकिन अब बार बार मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में क्या कोई फर्क है क्या? लाइसेंस किसको मिलता है, रजिस्ट्रेशन किसको मिलता है, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी का फर्क है। अभी हम समझेंगे कि क्या कैटेगरी का फर्क है, क्यों अलग अलग है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। डिस्टिंक्शन बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। अच्छा, एक बात हमने शुरू में चर्चा की थी, हमने चर्चा ये की थी कि ये एक्ट जो है हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी इन्फोर्स करता है, इम्पावर करता है, हमारी भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? मान लीजिए एक छोटा रेड़ी पटरी वाला है, समोसे बेच रहा है, समोसे छान रहा है, और उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप ये जो है आप FSMS प्लान बना के दीजिए, आप HACCP के पॉइंट्स लगाइए, आप ये एयर कर्टेन लगाइए, तो क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा? और शायद उसके यहाँ पे जरूरत भी नहीं है इन चीजों की, क्योंकि उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, स्पेस कम है, तो उस छोटे से स्पेस में जिन जिन बातों का वो फूड सेफ्टी को ध्यान रख सकता है उन उन बातों का ध्यान रख ले। यही बात मेरे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने किया स्पेशल। उसने कहा कि कैटेगरी ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स डिफाइन करिए और उस कैटेगरीज के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी डिफाइन करिए। यानी पेटी ऑपरेटर, जो छोटा ऑपरेटर है, उसके लिए अलग कंडीशंस होनी चाहिए, जो उससे बड़ा है, जो स्टेट लाइसेंस की परिधि में आ रहा है, उसके लिए अलग कंडीशंस होनी चाहिए, जो सेंट्रल लाइसेंस की परिधि में आ रहा है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो लार्ज वॉल्यूम में डील कर रहे हैं, उनके लिए कंडीशंस अलग होनी चाहिए। यानी हमारा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 इस बात का भी ध्यान रखता है कि बेस्ड अपॉन वॉल्यूम हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के, अगर आपने बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिजनेस शुरू किया तो 5 लाख रुपए का जुर्माना है। यानी एक बात तो समझ लीजिए, बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिजनेस तो करना ही नहीं है। तो फिर बिजनेस कब करना है शुरू? जब मुझे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिल जाए। तो अप्लाई कब करना है? कम से कम 60 डेज, 60 दिन पहले उस डेट के जब हम लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट 60 डे पहले आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको ये है कि 60 दिन के भीतर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिल सकता है और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि भाई ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है क्या। अब हम उस बात पे आ गए कि
कि भाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में फर्क क्या है। तो ध्यान रखिए, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन बोथ आर इशूड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दोनों ही बिजनेस को चलाने के लिए है। लेकिन रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है? जो छोटा व्यापारी है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है ये एक्ट जो है अलग अलग डिस्टिंक्शन करता है कम कैपेसिटी वाले बिजनेस और बड़ी कैपेसिटी वाले बिजनेस में। यानी जो व्यापारी का साल का टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, वो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। यानी उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और छोटी छोटी अलग कंडीशंस है, जैसे अगर 100 किलो या 100 लीटर पर डे वो पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी है, या 500 लीटर मिल्क पर डे वो जो है उसको कलेक्शन या हैंडल कर रहा है, या 2 बड़े एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल, या 50 छोटे एनिमल पोल्ट्री बर्ड्स चिकन इनको कर रहा हो। लेकिन हमें क्या याद रखना है? मोटा मोटा हमें सिंपल ये याद रखना है कि अगर 12 लाख रुपए से कम है टर्नओवर, तो वो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। बाकी जो छोटी चीजें हैं, अगर उसको ध्यान रखते हैं तो अच्छा है, नहीं ध्यान रखते तो भी कोई बात नहीं। अगर 12 लाख से 20 करोड़ है टर्नओवर, तो किस कैटेगरी में आएगा? स्टेट लाइसेंस की, यानी राज्य सरकार से उसको लाइसेंस इश्यू करना चाहिए, राज्य सरकार उसको लाइसेंस इश्यू करेगी। अगर टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो स्टेट लाइसेंस, और टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा है तो कौन सा लाइसेंस? सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, सेंट्रल लाइसेंस की परिधि में आ जाएगा। हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? हमें ध्यान देने वाली बात सिंपल ये है कि 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन लेना है, 12 लाख से 20 करोड़ है तो स्टेट लाइसेंस लेना है, 20 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना है। एक और बात और क्या ध्यान रखनी है, सेंट्रल लाइसेंस की तब भी आवश्यकता पड़ती है जब हम एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बिजनेस कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं मेरा एक रेस्टोरेंट या मेरी एक फैक्ट्री नोएडा में है और दूसरी फैक्ट्री गुड़गांव में है, दो अलग स्टेट में अगर फैक्ट्री हो गई, दो अलग स्टेट में प्रिमाइसेस हो गया, तो भी हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, यानी मैं जितना माल बना रहा हूँ सारा का सारा माल केवल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, भारत में नहीं बेच रहा हूँ, भारत में कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी, यदि हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, मान लीजिए मैं एक ऐसा रेडी टू ईट फूड बना रहा हूँ या सिंपल ऐसी एक नमकीन बना रहा हूँ जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ जो मैं विदेश से इंपोर्ट करके लाता हूँ, तो भी मुझे मुझे सेंट्रल लाइसेंस की परिधि में सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है अब आपको क्लैरिटी हुई होगी, रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट लाइसेंस क्या है और सेंट्रल लाइसेंस क्या है। क्यों अलग अलग कैटेगरीज है? क्योंकि इनकी राइट और इनके ड्यूटीज अलग अलग हैं, इनसे जो एक्सपेक्टेशन है, इनसे जो जो इन कंडीशंस को इनको फॉलो करना है, तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। 12 लाख से कम टर्नओवर रजिस्ट्रेशन, 12 लाख से 20 करोड़ स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल लाइसेंस, एक स्टेट से ज्यादा काम सेंट्रल लाइसेंस, अगर 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेंट्रल लाइसेंस, अपने सामान में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जो इंपोर्ट करके लाए हैं, सेंट्रल लाइसेंस। तो उम्मीद है क्लैरिटी हुई होगी कि डिफरेंस क्या है और स्टेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पे अप्लाई करना है वो सेम ही है, सेम पोर्टल है जो हमारा फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है FLRS, जो पहले फॉलो होता था, अब उसकी जगह फॉसकॉस ने ले ली है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम ने,
उसी जगह पे आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आपके टर्नओवर, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से ये आप डिसाइड करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में जाएंगे, स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में जाएंगे या सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है भाई, हमने तो अभी बिजनेस शुरू किया नहीं, तो हमें कैसे पता लग जाएगा कि मैं 12 लाख रुपए में आऊंगा कि 20 करोड़ में आऊंगा कि 20 करोड़ से ऊपर में आऊंगा? बताइए भाई, कैसे डिसाइड करें? अभी बिजनेस तो शुरू किया नहीं, क्योंकि बिजनेस शुरू कर देंगे बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिले तो 5 लाख रुपए का जुर्माना है, तो फिर कैसे डिसाइड करें? इस बात का डिसीजन कौन करेगा? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको ये डिसाइड करना कि किस कैटेगरी में आएगा, किस बात पे बेसिस बेस करेगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के। यानी मान लेते हैं हम आटा चक्की लगा रहे हैं, फ्लोर मिल लगा रहे हैं, गेहूं को पीसने के लिए फ्लोर मिल लगा रहे हैं, भले हम दिन का 5 किलो ही गेहूं पीस रहे हो, लेकिन अगर मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 किलो की है तो मुझे लाइसेंस 1000 किलो के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। यानी रियल टाइम प्रोडक्शन पे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे, यानी जितने की मैंने तैयारी की है। मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जिसकी कैपेसिटी है कि साल में 5 करोड़ का टर्नओवर सेल करने की, तो मुझे ऐसी कैटेगरी में लाइसेंस लेना पड़ेगा जो उस कैटेगरी को फुलफिल करता हो। यानी रियल सेल तो आपको तब पता लगेगा जब आप सेल करेंगे, लेकिन सेल करने के लिए चाहिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, और वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमने बार बार कहा है कि भाई ये एक्ट हमें एम्पावर करता है। कैसे? मान लेते हैं मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मुझे केवल रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे समोसे छानने हैं, या छोटा नमकीन का पैकेट मैं खुद बनाता हूँ, पैक करता हूँ और बेचता हूँ। साल का 12 लाख से कम टर्नओवर है, महीने का 1 लाख से कम टर्नओवर है, और मैंने कहा कि मुझे तो नियम मानना है, क्योंकि नहीं तो 5 लाख रुपए का फाइन है। तो मैं अगर रजिस्ट्रेशन लेने जाता हूं तो मेरी फीस कितनी है? मात्र 100 रुपए। यानी 100 रुपए साल की फीस देके मैं 5 लाख रुपए के फाइन से बच सकता हूं, तो फिर अच्छी बात नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? और एक और बात जो है एक्ट हमें एम्पावर करता है, क्या एम्पावर कर रहा है? यदि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए आज अप्लाई किया, तो 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, या तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट होना चाहिए या मेरे एप्लीकेशन पे क्वेरी रेज होनी चाहिए कि ये कमियां हैं और आप इसको सुधारिए। ना मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, ना मेरे पे एप्लीकेशन पे 30 डेज के अंदर क्वेरी रेज की गई, तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं। फूड बिजनेस ऑपरेटर मे स्टार्ट द बिजनेस। यानी आपने देखा कि एक्ट हमारी मदद भी कर रहा है कि किसी भी कारण से अगर हमारे को रिप्लाई नहीं आया तो 30 दिन मेरे को वेट करना है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। एक बार मैंने बिजनेस शुरू कर दिया तो फिर मेरा बिजनेस बंद नहीं करा जा सकता, मुझे फिर गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट नोटिस देगी, मुझे नोटिस देगी कि ये कमियां है, ये ठीक करिए, 15 दिन के अंदर का समय देगी, मैं उसको ठीक कर लूंगा। यानी हमारे को एक्ट ने एम्पावर कर दिया कि आप अप्लाई तो करिए, अगर 30 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन पे एक्शन नहीं लिया गया, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये तो था रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे ही लाइसेंस के लिए क्या है? लाइसेंस में हमने अप्लाई किया और 60 दिन के अंदर या तो मेरा एप्लीकेशन आप रिजेक्ट करिए या तो आप क्वेरी रेज करिए, अगर ये दोनों नहीं किया तो 60 दिन के अंदर, 60 दिन के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद आप मेरा बिजनेस बंद नहीं करा सकते,
आप मुझे इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे, जिसको कि 15 दिन के अंदर मैं सुधार कर दूंगा जो जो बातें आपने इम्प्रूवमेंट नोटिस में दी है। यानी आप देख रहे हैं कि एक्ट न केवल एजेंसीज को एम्पावर कर रहा है, बट एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर हम लोगों को भी एम्पावर करता है। तो ये तो थी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम इस एक्ट के, चूंकि हमने पता है कि हम लोग शेड्यूल 4 के बारे में डिटेल में समझेंगे, शेड्यूल 4 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अगर शेड्यूल 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो सामान्य सा हमारा दिमाग कहता है कि भाई फिर शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, और शेड्यूल 4 तो हम चर्चा करेंगे ही। तो समझते हैं कि शेड्यूल्स हैं क्या। शेड्यूल का मतलब है एक अलग से लिस्ट। जैसे रजिस्ट्रेशन का जो रेगुलेशन है उसमें नियम कई सारे लिखे होंगे, फिर उसके साथ में अपेंडिक्स होगा, एक लिस्ट होगी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, अलग अलग फॉर्मेट्स दिए होंगे, उनको बोलते हैं शेड्यूल्स। तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 में 4 शेड्यूल्स हैं। कौन कौन से शेड्यूल हैं? शेड्यूल 1, अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से बिजनेस सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कौन कौन से बिजनेस सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कौन क्या क्या फॉर्म के फॉर्मेट है, कि फॉर्म ए है जिसमें हमें अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए, बी रिन्यूअल के लिए होता है, सी लाइसेंस का फॉर्मेट होता है जिसमें कि हमें लाइसेंस इशू होता है जिस फॉर्मेट में, D1 एनुअल रिटर्न के लिए, D2 मिल्क के रिटर्न के लिए होता है, और फॉर्म ई सर्टिफिकेट ऑफ गारंटी होता है। इसके बारे में भी हम बड़ी डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। यानी ये शेड्यूल 2 क्या हुआ? शेड्यूल 2 में सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट होते हैं। शेड्यूल 3 में क्या होता है? फीस के बारे में लिखा होता है कि कितनी लाइसेंस में फीस लेनी है, कितनी रजिस्ट्रेशन में फीस लेनी है, कितनी हमारे को रिन्यूअल में फीस लेनी है, वो शेड्यूल 3 में लिखा होता है। बट हमारे मतलब का हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन के लिए, आज की ट्रेनिंग के लिए है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है भाई? शेड्यूल 4 में 5 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 4 के 5 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। और इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन कंडीशन। यानी ध्यान रखिए कौन सा शब्द हमने प्रयोग किया? मैंडेटरी कंडीशन, यानी वो जरूरी कंडीशन जो आपको मानना होगा जिसके बेसिस पे आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन इशू हो। और इसका दूसरा पहलू क्या हुआ? यदि इन कंडीशंस को नहीं मानेंगे तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं जनरल सैनिटरी एंड हाइजीन कंडीशन। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है भाई? जो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनके लिए पार्ट 1 में लिखा। अभी हमने देखा था जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आते हैं, जो 12 लाख से कम टर्नओवर वाले, जो छोटे वाले हैं, उनको किन किन कंडीशन का ध्यान रखना है वो हमारे पार्ट 1 में लिखा हुआ है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? जितने लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में, यानी आज की सेशन हमारा किसका है? मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी का है। तो हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 4 की। यानी हम लोग के मतलब का आज के सेशन के लिए क्या है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 4, दैट इज फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। उसके बाद पार्ट 3 में क्या है? ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है मिल्क क्या है? हाई रिस्क फूड है, तो उससे जुड़ी हुई सावधानियां थोड़ी अलग होंगी। तो हमारे लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन में मिल्क के लिए सारी सावधानियां, मिल्क की कंडीशंस अलग से दे दी, उसको किस में रखा गया? पार्ट 3 में। पार्ट 4 में क्या है भाई?
स्लॉटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग वाले, वो भी हाई रिस्क फूड है, उसकी कंडीशन भी तो सामान्य से थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड कंडीशंस हमारे पार्ट 4 में दी हुई है। और पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सर्विस फूड सर्विस वाले हो, लंगर वाले हो, हमारा चाहे डिलीवरी ट्रक वाले हो, 5 स्टार होटल वाले हो, जो केटरिंग कर रहे हैं फूड सर्विस वाले लोग हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पार्ट 5 में दिया हुआ है। अब मुझे लगता है शेड्यूल हमें बड़ा सिंपल क्लियर हो गए। क्या है भाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2006 जो एक्ट है उसके अंदर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन 2011 का रेगुलेशन है, उसके अंदर 4 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 जो कि सेंट्रल लाइसेंस की बात करता है, शेड्यूल 2 जिसमें फॉर्म की बात करता है, शेड्यूल 3 जो फीस की बात करता है, और शेड्यूल 4 जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस की बात करता है। उन शेड्यूल 4 में 5 पार्ट है, पार्ट 1 पेटी बिजनेस, पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, पार्ट 3 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइसेंस, पार्ट 4 स्लॉटर हाउस एंड मीट प्रोसेसिंग लाइसेंस, पार्ट 5 लाइसेंसिंग फॉर केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट। यानी ये अलग अलग कंडीशंस है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे शेड्यूल 4 पार्ट 2 की। तो अब मुझे उम्मीद है हमें समझ आ गया होगा कि हमारा एक्ट क्या है, हमारा रेगुलेशन क्या है, और क्यों जरूरी है इन बातों को समझना।